बॉलीवुड और टीवी जगत की दुनिया से एक दुखद खबर आई है। कई सारी बॉलीवुड फिल्मों और पॉपुलर टीवी शो मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल प्ले करने वाले एक्टर अनुपम श्याम का निधन हो गया। एक्टर यूं तो काफी समय से बीमार चल रहे थे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से एक्टर का निधन हो गया। कुछ समय पहले भी अनुपम श्याम अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से चर्चा में आए थे। उस समय बॉलीवुड और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने उनकी मदद भी की थी, मगर इस बार एक्टर जिंदगी से जंग हार गए। एक्टर अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। अनुपम श्याम को पिछले साल भी किडनी से जुड़ी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके इलाज में आर्थिक तंगी भी आ रही थी। उनके भाई अनुराग ने बताया था कि पैसों की कमी की वजह से डायलिसिस भी रोकना पड़ा था। पत्रकार और फिल्म मेकर रामचंद्र समेत कई लोगों ने अनुपम श्याम के इलाज के लिए लोगों से मदद मांगी थी। इसके बाद कई बॉलीवुड सितारे मदद के लिए आगे भी आए थे। सोनू सूद और मनोज बाजपेयी ने भी अनुपम श्याम की मदद की थी। दृश्यम फिल्म्स के मनीष मुंद्रा ने भी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की पेशकश की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 20 लाख रुपए सहायता करने की घोषणा की थी। उनके दोस्त एक्टर यशपाल शर्मा ने बताया था कि अनुपम श्याम के आखिरी वक्त में उनके दोनों भाई अनुराग और कंचन भी अस्पताल में मौजूद थे। अनुपम श्याम के निधन पर तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर भी उन्हें याद किया गया। 3 दशक लंबे करियर में अनुपम श्याम बैडेट क्वीन के अलावा 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी काम कर चुके हैं। 2009 में वो मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार में नजर आए थे। इस नकारात्मक लेकिन पावरफुल किरदार ने खासी लोकप्रियता भी बटोरी थी। उन्होंने इसके अलावा 9 और धारावाहिकों में काम किया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनुपम श्याम ने लखनऊ के भारतेंदु अकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट से बकायदा एक्टिंग की बारीकियां सीखी थी। उन्होंने सरदारी बेगम, दुश्मन, कच्चे धागे, परजानिया, गोलमाल, स्लम डॉग मिलियनेयर, मुन्ना माइकल जैसी फिल्मों में भी काम किया है। टीवी पर अनुपम श्याम कृष्णा चली लंदन में दिखाई दिए थे।